सुधारों पर काम किया जा रहा है। और हुए निर्वाचन चुनाव में भारी धांधली की गई। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 13 और 14 नवंबर को जिले के 6 विधानसभा में लगभग 100 ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम से बदल दिया गया। इसके उन्होंने पूरे एविडेंस भी मीडिया के सामने पेश किए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पा रहे और यहाँ पर लगातार जो है चुनाव में धांधली के खुलासे होते जा रहे हैं। जब चुनाव चल रहे तब भी काफी धांधली हुई, तब भी जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शराब बांटी गई, रुपये पकड़ाए गए, साड़ियाँ पकड़ाई गई, तब भी कोई एक्शन उन्होंने नहीं किया। और अभी अब कल का ताज़ा मामला आया है, कल 27 तारीख का, कि तहसीलदार के कार्यालय में जो ज्ञापन पर डाले गए थे विभिन्न क्षेत्रों में, उनको खोला गया। 1:00 पर उनको खोला गया और वहां जब खोला गया था तो सब सारे लोग जो हैं, गौरशंकर बिसेन जो बालाघाट के उम्मीदवार हैं, उनके सारे लोग थे उसमें। केजी बिसेन भी है, शरद बिसेन भी है, राजेश सिंह चंदेल भी है और लोग हैं, सब इनके खास खास लोग हैं पूरे, जिनके पांव पड़ते हैं, साथ रहते हैं। और उन्होंने बैठ करके वहां पर, उनके हाथ में पेन भी रखी हुई है, तो मुझे लगता है कि जिस बैलेट पैड पर मैं कर्मचारियों ने अगर दूसरी पार्टियों को दूसरी मुद्दा को उठ गया होगा तो उसको वो खराब करने के लिए पेन भी रखे हुए हाथ में। तो धांधली करने के लिए पूरा वहां पर उन्होंने इंतजाम किया था। और कुल मिलाकर गौरशंकर बिसेन को कैसे उनको चुनाव जिताना, उसके लिए वो बैठे होते एक राय होकर, और किसी भी दल के उम्मीदवार को सूचना नहीं दी गई। मुझे सूचना, मैं उम्मीदवार हूँ परसवा विधानसभा क्षेत्र से, और मुझे सूचना नहीं दी गई, मेरे जो इलेक्शन एजेंट सूचना नहीं दी गई। और सबसे मैंने बात की, सबको ने कहा कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई, जितने भी उम्मीदवार हैं। और कलेक्टर अपनी आईडी में डाल रहा है कि हमने सूचना दी है उम्मीदवारों को, तो कलेक्टर पूरा झूठ बोल रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने बचाव के लिए, और सबसे बड़ा स्कैंडल का, ये स्कैम हो रहा है चुनाव का, इसका सबसे बड़ा सरगना है कलेक्टर गिरीश कुमार। और तहसीलदार के ऑफिस में, तहसील में जो है अस्थायी आपको स्ट्रांग रूम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बनाया गया स्ट्रांग रूम अस्थायी? यही बेईमानी करने के लिए, धांधली करने के लिए बनाया गया ना, अगर बनाया भी गया तो। और उसका निर्वाचन आयोग को उन्होंने कब लिखा है पत्र, कब उन्होंने मंजूरी ली है और क्यों मंजूरी ली, उनको क्यों बनाना पड़ा अस्थायी स्ट्रांग रूम, कैसे बनाना पड़ा? हम 45 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 1977 से, जब हम बालाघाट का थाना चलाए थे उसमें हम गिरफ्तार होकर जेल गए और हम सिवनी जेल में थे। उसके बाद 77 में जब चुनाव हुआ, 75 में थाना चला फरवरी में, और 77 में जब जेल गए, 77 में हमने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा है, मेरा उस वक्त निशान था तीर कमान। तो जब से मैं चुनाव लगातार लड़ रहा हूं तो कभी मैंने ये नहीं देखा है कि अस्थायी स्ट्रांग रूम बनाया गया हो कहीं, और कभी भी डाक मतपत्र की गिनती जो है वो स्ट्रांग रूम में होता है, उसी दिन जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन, और पहले होगा डाक मतपत्रों की गिनती होगी, पेटी खोली जाएगी, जो भी शॉर्टिंग करना, जो भी कुछ करना, सब वहीं पर होगा, पहले हाथ ही लगा सकते आप, तो उसके बाद फिर ये मशीन को देखा जाएगा, जो मत डाले उसको देखा जाएगा। ये कैसे हो गया ये और क्यों हो गया? तो सीधा सीधा है कि धांधली करने के लिए, गौरशंकर बिसेन को जिताने के लिए, और जो भी भाजपा के उम्मीदवार है उनको जिताना है, उनके लिए सब किया गया। और यह मुख्यमंत्री के सारे पर सब हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के सारे पर सब हुआ है, तो लगातार हो रहा है। कैसे खुल गया स्ट्रांग रूम, आज तक क्यों नहीं खुला वहां पर स्ट्रांग रूम? तो भैया ये जो कल स्ट्रांग रूम में जो सॉर्टिंग का काम था, ये 6 विधानसभा के लिए था, बता रहे हैं कि क्या है ये, एक ही विधानसभा के लिए? नहीं, वो 6 विधानसभा के लिए था, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग छाट रहे थे, किस किस विधानसभा के माताएं को अलग अलग छाट, सभी विधानसभा के उम्मीदवारों को बुलाना था। आप भी उम्मीदवार थे क्या? मैं उम्मीदवार हूँ, मैंने कहा मैं तो सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार हूँ, सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार मैं हूँ, फिर क्यों नहीं, मुझे क्यों सूचना देगा? किसी को सूचना नहीं दी उन्होंने, किसी को नहीं दी सूचना। तो कलेक्टर अब जो है, निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और आप तहसीलदार को मतलब सस्पेंड कर रहे हो, और जिम्मेदार तो उसके लिए जो है आपका जो जिला निर्वाचन अधिकारी वो जिम्मेदार है, फिर बालाघाट विधानसभा का जो निर्वाचन अधिकारी गोपाल सोनी SDM वो जिम्मेदार है,
और यहाँ स्ट्रांग रूम कैसे बना उसके लिए एसपी भी जिम्मेदार है। और अगर स्ट्रांग रूम बना तो वहां पे आप क्या देख रहे, कैसे खोल दिया आपने, वो भी जिम्मेदार है। तो एसपी समीर सौरभ, गोपाल सोनी एसडीएम और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा, ये लोग सब जिम्मेदार, इन पर सब पर कार्रवाई होना चाहिए, सबके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उनके पर कार्रवाई करनी चाहिए, निलंबित करें इनको और इनको हटाएं तुरंत यहां से, तुरंत बाहर करें अगर चुनाव अभी भी आप निष्पक्ष कराना चाहते हो तो। और इसमें जांच कराएं, बड़ी जांच कराएं, तो इसमें आ जाएगा इनकी मोबाइल का भी कॉल डिटेल, कम से कम 2 महीने से इनका मोबाइल का डिटेल, कॉल डिटेल है सभी का। गोपाल सोनी तो इस वक्त ऐसे काम कर रहा है और कलेक्टर ऐसे काम कर रहा है जैसे उनका पर्सनल नौकर है, एसपी भी उसी तरह से काम कर रहा है। मुझे मालूम पड़ा है कि गोपाल सोनी ने पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी किया अपने घर में गौरी शंकर जिताने के लिए, ये भी उन्होंने किया हुआ है। और ये रतलाम से आया हुआ है, बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, बिल्कुल निकम्मा आदमी है, इसको लाया इसलिए कलेक्टर को गौरी शंकर बिसेन ने इसलिए लाया यहां पर, यह सब पूरा करके कि यहां पर मुझे चुनाव जिताना है आपको। और उसकी पत्नी को भी लाया, कलेक्टर की पत्नी को भी लाया, मीना मिश्रा DFO बना के दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट में, तो कलेक्टर खुश करने की, जो कलेक्टर ने बोला कहा कि मेरे को सब चुनाव जिताना है, ये सबको लेकर आया यहाँ पर। समीर सौरभ को भी वहां से निकाल के लाया ना हाथफोर्स से, यही हाथफोर्स में था, यही एसपी बना दिया सब सेटिंग करके कि मुझे चुनाव जीतना है। और वो लगातार 13 में भी ऐसे चुनाव जीता था धांधली करके, गौरीशंकर बिसेन अनुभव मंजारे ने उस वक्त उसको चुनाव हरा दी थी, नेट पे आगे सबको पता है आपको। और जो हमारे जो वहां एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट, उनको पुलिस वालों ने पकड़ पाल के बाहर किया था बंदूक की नोक पर, बहुत बड़ा हादसा होता उस वक्त, तब भी ऐसी करके चुनाव जीता था, 18 का चुनाव भी ऐसी धांधली करके जीता, ठेका दिया हर बार गौरीशंकर बिसेन ने ठेका दिया है अधिकारियों की मुझे चुनाव जिताओ, और इस बार का भी ठेका उसका करीब करोड़ों का ठेका दी थी, मेरे को तो जानकारी मिली कि 25 करोड़ का ठेका दिया था इस बार भी चुनाव जिताने का कलेक्टर को अधिकारियों, ये मनमानी है, ये लोकतंत्र है। आज भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइट गोल होने की, और आज भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइट गोल हुई है, मुझे पहले से अंदेशा था, मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि कैमरा को वो लोग बंद करेंगे, बंद करके धांधली करेंगे, तो आज उन्होंने किया है, कल वो नहीं कर पाए यहाँ हल्ला हो गया, तो आज उन्होंने दिन में वहां पे जाकर किया है, गड़बड़ी किया, धांधली किया, आज भी आधे घंटे से ज्यादा समय तक के वो बंद रहा, जबकि निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर ने कहा था कि कोई लाइट गोल नहीं होगा, हमारे पास सारे इंतजाम है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कहा उन्होंने ये बात को, फिर कैसे बोलोगे लाइट, जनरेटर दर कैसे चालू नहीं किया, लाइट बोल भी हुई तो जनरेटर लगाना था उनको, क्यों लगाया नहीं लगाया गया। कल मुझे रात को सूचना मिली थी कि कल भी वो जो खाना पहुंचने जाती है पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लिए वहां जो ड्यूटी थे उनके लिए, उसमें भी ईवीएम मशीन जाने वाली है कल रात को, और मैं गया वहां चक्कर लगा के मैं आया था कल भी, इसके बावजूद भी इतना सब पकड़ा गया, मीडिया में आ गया, सब आप लोगों ने देखा, जनता में चला गया, तब भी उनको डर नहीं है कि ये क्या होने वाला है। और बालाघाट जिले की जनता में बहुत आक्रोश और बहुत गुस्सा इस बात को लेकर, कल का जो वीडियो वायरल हुआ है, जो लोगों में आया है, बहुत गुस्सा हमने कि हमारा वोट हमने दिया है, वो वोट को गड़बड़ कर रहे हैं, और जिसको हम नहीं चाहेंगे उसको जिता के लाएंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये हालत बालाघाट के लिए है। और ये समझ लो कि मतगणना के दिन ये स्थिति बनी रहेगी कि खून खराब होने की संभावना, लोगों में बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश है। 3:45 से भी कैमरा बंद है, अभी भी बंद है, सीसीटीवी कैमरा भी वहां लगा हुआ स्टाफ रूम में, अभी भी बंद है। अब ये जरिए कलेक्टर ने ये अपने आईडी में जो डाला, आपके पोस्ट डाला है इसने घबराहट में, तब बात उठी था, ये उसने पोस्ट डाला है कि आके हमने सबको दिखा दी है, कलेक्टर की आईडी से पोस्ट है। ये दो आपका ये जो बलोरा गाड़ी, वहां भी कुछ ये कर रहे थे तो लोग वहां पे आ गए, तो 2 गाड़ी उधर भागी लामटा साइड पे, और 4 गाड़ी पुलिस की और 2 सफारी गाड़ियां इधर भागी बालाघाट, तो उसमें भी कोई मशीनों का कुछ हेराफेरी कर रहे थे वो, लेकिन लोग बचाने में डर रहे, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। अभी आज की बात है, अभी कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 बजे के बीच की बात है, 2 बजे के पहले की बात है, ये सब चल ही रहा अभी मुझे। तो इसलिए मेरा ये कहना होता है कि आप जो है ये बालाघाट जिले का पूरे चुनाव को कैंसिल करो, आप जिले का पूरा विधानसभा चुनाव कैंसिल करो, फिर से मतदान कराया जाए, तब यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होगा, इनको हटाकर कोई दूसरी एजेंसी आके चुनाव कराए यहाँ पर, ये मेरी मांग है।
और मुझे लगता है मतगणना के दिन जो है अगर यही लोग रहे और ये जो एजेंसियां ये रहे तो मतगणना के दिन यहाँ पे खून खराब होगा, हिंसा 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 फैलेगी और अभी लोगों में बहुत गुस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या वहां हो जाएगी मतगणना के दिन, और मेरे को लगता है कि मेरी हत्या हो जाएगी उस दिन। 3 तारीख मेरे लिए आखिरी दिन होगा और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देश के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी भी हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर ये बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। इतना ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। भला जिले के लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डर को निकाल के फेंको, घर से निकलो, सड़क पे आओ और लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ, ये सबकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी क्या जानकारी है कि हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं? मेरे को मेरा मिशन सूत्र है कि वहां पे अगर किसी ने आवाज उठाई कुछ किया उसके खिलाफ में तो वहां पर वो खुद ही वो कुछ भी कर सकते हैं और मेरे साथ वो मेरी हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं मेरे को। जानकारी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मेरा सूत्र उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। जानकारी क्या है, मेरे को आभास हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ, सब चीजों को समझ तो सब इसमें अधिकारी शामिल है, जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट विधानसभा अधिकारी और सभी लोग शामिल इसमें है। अभी ये 13-14 तारीख को, नवंबर 13-14 को लगभग उन्होंने 100 मशीन को बदला है स्ट्रांग रूम खोल के और बोला गया है कि ये खराब हो गई। तो इनको पता कैसे चला कि वहाँ खराब हो गई मशीन, जब इन्होंने एक बार सबको जांच पड़ताल करके इंजीनियर से पूरा ओके कराया और इन्होंने ओके करने के बाद वो मशीन वहाँ रखी है, फिर खराब कैसे, इनको कैसे मालूम पड़ा खराब हो गया, एक सवाल किया है। तो इन्होंने ये मशीनों को निकाल करके और वहाँ पे धांधली की है, गड़बड़ी कोई मशीनों में वोट डाल डूल के उन्होंने खुद भी सेटिंग किया वहाँ पर, एक बात यह है। उसके बाद ये सारे मामले की इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इनके जो सीबीआई जांच कराए और इसकी कॉल डिटेल ले कम से कम 2 महीने की, कलेक्टर गिरीश कुमार, एसपी संजय सौरभ और गोपाल सोनी एडीएम, ये 3 लोगों की कॉल डिटेल लेनी चाहिए। और मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि 3 तारीख को मतगणना के दिन अगर ये अधिकारी रहे, एसपी और कलेक्टर और ये सब लोग रहे, तो वहाँ पर खून खराब ये करेंगे और मेरी हत्या वहाँ पर हो सकती है और लोकतंत्र के लिए मैं कुर्बान हो जाऊँगा, देश को बचाने कुर्बान।